बेस्ट लैपटॉप फॉर डेवलपर्स के लिए। तो भाई अगर आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हो, आपके लिए मैं लैपटॉप से बताऊंगा जो कि आपको 50,000 के बजट में मिलेंगे। बात करते हैं सीधा नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करते हैं, लेकिन नंबर 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, मैं आपको जितने भी लैपटॉप बताऊंगा वो वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट होने वाले। अगर आपने 4K भी ट्राई करना है आप कर सकते हो। अगर आपने गेमिंग करनी है, हाई ग्राफिक पे अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, आप नॉर्मली ईजिली कर सकोगे। प्लस भाई अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, आपके लिए भी बेस्ट डील होने वाली। अगर आपने ऑफलाइन काम करना है या क्लासेस वगैरह लगानी है, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, आपके लिए भी बहुत तगड़े होने वाले हैं। प्लस अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर भी यूज करना है, आप इजीली नॉर्मली कर सकोगे। तो बात करते हैं सीधा नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 पर यार मैंने रखा है MI नोटबुक हॉरिजन को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी बिल्ड क्वालिटी प्लस इसका डिजाइन वो बहुत ज्यादा इसको सूट करता है। प्लस MI ब्रांड है। प्लस भाई अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको कीबोर्ड पे ज्यादा काम करना पड़ता है, आपके लिए बहुत तगड़ा होने वाला है। बिकॉज आपको ट्रैक पैड एंड टच पैड जो है वो बहुत सही मिल जाता है। प्लस इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी है। आपको HD+ वेब कैमरा साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक प्लस पॉइंट आ जाता है अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है आपके लिए। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, प्लस भी अगर आप गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। बिकॉज आपको ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको MX 350 2GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, 8GB रैम मिल जाता है, i5 10th जनरेशन के साथ देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए लैपटॉप पूरा लोडेड देखने को मिल जाता है। मैं आपको मेन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, थोड़ी सी डीपली बात कर लेते हैं भाई। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको NVIDIA MX 350 2GB देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, आपको 51,000 के बजट में MI नोटबुक हॉरिजन देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI नोटबुक हॉरिजन के। अभी मैं इसके माइनस पॉइंट की भी बात कर लेता हूँ। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर 4 पर रखा। इसका माइनस पॉइंट सिर्फ ये देखने को मिलता है कि आपको 8GB रैम तो मिल जाती है, लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर 4 पर रखा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। तो आप देख लेना, अगर आपको ये लैपटॉप जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको 8GB रैम मिनिमम बहुत है यार, अगर आपको इतनी मतलब सही लगती है तो आप इसके और जा सकते हो। अगर आपको 8GB रैम नहीं सही, आपका कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB रैम चाहिए, अगर आपको 32GB रैम चाहिए, तो आपके लिए ये लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं बना। इसीलिए तो मैंने इसको नंबर 4 पर रखा। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है Acer Inspire 5 को। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 50,000 से कम है तो ये लैपटॉप आपको 45,000 के बजट में मिल जाता है। 45,000 के बजट में आपको स्पेसिफिकेशन पूरे लोडेड मिल जाते हैं, बहुत तगड़े स्पेसिफिकेशन में। मैं आपको बता देता हूँ, सीधी बात करते हैं हम स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS पैनल डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, बस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। SSD के बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, तो भाई SSD का बेनिफिट ये होता है, अगर आप डाटा वगैरह जल्दी ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी एज कंपेरिजन किया जाए HDD के साथ। HDD की स्पीड बहुत स्लो होती है, ठीक है भाई। अगर आप 2GB या 3GB की फाइल ट्रांसफर कर ना तो उसको यार आधा घंटा 40 मिनट ऐसे लगते हैं, लेकिन SSD में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी, जो कि सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप डाटा वगैरह ज्यादा ट्रांसफर करते हो। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको NVIDIA GeForce MX 350 देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूं, आपको 8 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बातों को 45,000 से लेकर 51,000 के बजट में Acer Inspire 5 ये स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए Acer Inspire 5 के भी। अगर मैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाऊँ तो बहुत ज़्यादा सही है भाई। आपको 45,000 के बजट से लेके 50,000 के बजट तक ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, अगर प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या गेमिंग करना चाहते हो, आप इस पे कर सकते हो। आपको 2GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, 8GB रैम मिल जाती है, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो भाई मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, आपने 16GB रैम के और मिनिमम चल जाना, उसको अपग्रेड कर लेना, आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यार मैंने लिंक वगैरह
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की। तो अभी बात करते हैं नंबर टू की, लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ नंबर टू एंड नंबर वन को दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, बिकॉज दोनों ही लैपटॉप जो वो एसर की ओर से ही आते हैं। इस बजट रेंज में एसर बहुत ज़्यादा सही कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ दो लैपटॉप्स के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ एसर एस्पायर 7 की एंड मैं बात कर रहा हूँ एसर नीट्रो 5 की। सबसे पहले मैं आपको दोनों के बारे में क्लियर कर देता हूँ भाई। अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आपको गेमिंग डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो एसर एस्पायर 7 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। बट अगर आपको गेमिंग डिज़ाइन चाहिए, अगर आपको गेमिंग डिज़ाइन से मैटर कुछ भी नहीं करता, आपको स्पेसिफिकेशन लोडेड चाहिए कि अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, आपके लिए बेस्ट होने वाला आपके लिए बेस्ट हो सकता है एसर नीट्रो 5। आप जा सकते हो एसर नीट्रो 5 की, और वो बहुत ज़्यादा तगड़ा लैपटॉप है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए मैंने आपको भी बता दिया। अभी बात करते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो 16 रिफ्रेश रेट यार एवरेज डिस्प्ले होती है, इतना तगड़ा भी नहीं कह सकता, इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। प्रोसेसर की बातों को i5 9th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 32GB तक, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को वो GTX 16504GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको फिंगरप्रिंट वगैरह भी देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करूँ आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 50,000 से लेकर 54,000 के बजट में एसर एस्पायर 7 देखने को मिल जाएगा। तो यार अभी बात करते हैं एसर नीट्रो 5 की। तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस पैनल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं इसमें भी आपको एएमडी राइजन 5 देखने को मिलेगा 3500HS के साथ, ठीक है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 32GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को GTX 16504GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं आपको 6 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं आपको 57,000 के बजट में एसर नीट्रो 5 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिए। मुझे पता है मैंने जो आपको लैपटॉप बताया उनका प्राइस जो है वो 50,000 से अपर चला जाता है। तो यार अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके लिए ये दोनों लैपटॉप बहुत तगड़े होने वाले। अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी पे कर सकते हो तो आप एसर नीट्रो 5 की ओर जा सकते हो। अगर आपको गेमिंग डिज़ाइन नहीं चाहिए तो एसर एस्पायर 7 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर मतलब अगर आपका बजट 50,000 से भी कम है तो एसर एस्पायर 5 आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। इस प्राइस रेंज में एसर बहुत तगड़ा है। भी अगर आपका बजट 30,000 होता ना तो मैं आपको लिनोवो लैपटॉप की ओर जाने को कहता, बिकॉज उतने प्राइस रेंज में लिनोवो बहुत तगड़ा कर रहा है। लेकिन अगर आपका बजट 45,000 से लेकर 55,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज में एसर लैपटॉप बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 4 लैपटॉप बता दिया जो कि आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आप कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, पढ़ते हो पढ़ाते हो, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, या अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, या कोई भी लोडेड फाइल पर काम करना है, आप सभी के लिए जो मैंने आपको लैपटॉप बताया वो बहुत तगड़े होने वाले हैं। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चार्ट कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।